आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन गिवन है, इफ अ सर्कल सी पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,0 टचेस द सर्कल x² + y² + 4x - 6y = 12 एक्सटर्नली एट पॉइंट 1,-1 देन द रेडियस ऑफ सी इज। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसा कि हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ एक सर्कल हमें गिवन है, तो यहां से आ जाएगा x² + y² + 4x - 6y - 12 = 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,1 क्या आ जाएगा, क्योंकि 1,-1 इज द कॉमन पॉइंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,-1। ये अगर सर्कल के पे पॉइंट रहता है तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, दैट इज टी इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स टी इक्वल टू जीरो क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, 1 × x + -1 × y + ये हो जाएगा 4 × x + x1/2, दैट मीन्स x + 1/2 माइनस सॉरी ये y था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y - 1/2 -12 = 0। सो व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इंप्लाइज दैट x - y ये हो जाएगा हम लोगों के पास 2 times में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस का 2x प्लस 2 माइनस का ये 3 times में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -3y + 3 -12 = 0। दिस इंप्लाइज दैट x + 2x 3x हो गया, -y - 3y - 4y और क्या आ जा रहा है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 + 3 5 - 12 दैट मीन्स -7 = 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट पासेस थ्रू 4,0 वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल सिंस द सर्कल इज पासिंग थ्रू the intersection of the circle and this line, but this line is touching both the circles, that means ये जो होता है condition, इसको हम लोग लिखते हैं s + λl से equal to 0, where s is the equation of circle we know, that is x² + y² + 4x - 6y - 12 + λ × l, that is tangent, equation of circle passing through the intersection of these two circles and lines, that means ये आ जाएगा 3x - 4y - 7 = 0। इसको टच करता हुआ पास हो रहा है, सो क्या आ जाएगा यहां से हम लोगों के पास, दिस इंप्लाइज दैट it passes through 4,0। तो 4,0 हम लोग पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 16 + 0 - 12 + λ × 3 × 4 - 7 equal to 0. This implies that 16, 16, 32 - 12, that is 20 plus 12, 4, 3 are 12 minus 7, that is 5, so 5 λ equal to 0. This implies that 5 λ equal to 20, so lambda equal to -20/5, that is equal to -4. ये आ गया, now हम लोग -4 put कर देंगे, तो ये आ जाएगा x² + y² + 4x - 6y - 12 - 4 × 3x - 4y - 7 = 0. So what we are getting, this implies that x square plus y square
यहाँ से 4x और माइनस का 12x हो जा रहा है, दैट मीन्स माइनस 8x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ -6y और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16y, दैट मीन्स ये आ जाएगा प्लस का 10y, यहाँ -12 है और यहाँ प्लस का 28 हो जाएगा, दैट मीन्स +16 इक्वल टू 0, ये आ जा रहा है हम लोगों के पास। नाउ रेडियस क्या होता है, रेडियस 4x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 इज √g² + f² - c, ये हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, हियर हियर रेडियस इक्वल टू, हम लोग यहाँ देख सकते हैं -4 हो जाएगा जी का वैल्यू, तो -4 का स्क्वायर दैट इज 16, प्लस 5 हो जाएगा एफ का वैल्यू, तो 5 का स्क्वायर 25, -c दैट इज -16, सो दिस इज इक्वल टू √25 दैट इज इक्वल टू 5, तो रेडियस 5 यूनिट्स हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।